महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजीत दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के, इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने किया, और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया, और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया, ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में चार में से चार जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में छह जगहों पर एनडीए आगे है, और राजस्थान में चार जगह पर आगे है, तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा, तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है।